इस सर को झुकना सिखा देंगे, भटके हुए को किनारा लगा देंगे। तुम शनि देव के दरबार में आके तो देखो, हम तुम्हें दीवाना बना देंगे। जय शनि देव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बच्चों, 14 अक्टूबर को एक विशेष संयोग बन रहा है। एक तरफ तो शनि देव जी की शनि अमावस्या है, दूसरी ओर पितृपक्ष की जो सर्वपित्र अमावस्या है वो भी उसी दिन पड़ रही है, और साथ ही सूर्य ग्रहण भी उसी दिन पड़ेगा। तो शनि देव आपको इस शनि अमावस्या पे पितरों के आशीर्वाद के साथ, अपने पिता सूर्य देव के आशीर्वाद के साथ क्या वरदान देने वाले हैं वो आज मैं आपको बताऊंगी। ये जो संयोग है बड़ा विशेष है। शनिवार को जो अमावस्या पड़ती है उस दिन एक विशेष चैनल खुलता है, जहां हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति करा सकते हैं। जिनकी शनिदेव सुनते नहीं हैं वो लोग अगर इस दिन का प्रयोग करके, क्योंकि ग्रह नक्षत्र उस दिन ऐसे बनते हैं। अच्छा, इस बात को ऐसे समझो, आपने देखा होगा कि हफ्ते के किसी पर्टिकुलर दिन आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है या बहुत अच्छा वो दिन जाता है। जैसे कुछ लोगों का शनि अच्छा नहीं है तो शनिवार उनका बहुत ही खराब जाएगा, कुछ ना कुछ समस्या उनको शनिवार को लगी रहेगी। कभी गाड़ी खराब हो जाएगी, कभी छोटी मोटी चोट लग जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा, बीमारी हारी हो जाएगी, नुकसान हो जाएगा, फ्रॉड हो जाएगा, कोई भी बुरी सूचना उनको शनिवार को मिलती है। तो शनिदेव खराब है, शनि खराब है आपके, तो ऐसे ही ये जो दिन है उसमें चैनल खुलते हैं, और उस पर भी जब अमावस आ जाती है तो अमावस शनिवार को इतना ज़्यादा प्रभावशाली बना देती है कि जिन भी लोगों की शनिदेव सुनते नहीं हैं, आप उस दिन अगर उनकी पूजा करेंगे और खासकर इस शनि अमावस्या पे आप शनिदेव जी के मंदिर जाके उनको पंच उपचार से उनका पूजन करके, उनको काले तिल के लड्डू बना करके, अपने हाथों से बना करके, गुड़ में बने हुए अगर समर्पित करते हैं तो वो आपको आशीर्वाद ज़रूर देंगे। और अगर आपकी शनि की कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, साढ़े साथी है, ढैया है, महादशा है, तो वो सारी ही ठीक होगी। तो चलिए जानते हैं 14 अक्टूबर शनि अमावस्या पर क्या आशीर्वाद आपको मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। मिथुन राशि वालों, इस शनि अमावस्या पर आपको थोड़ा सा सतर्क रहना होगा आग से, आग को लेकर के, कुछ जलने को लेकर के, या फिर आपके शरीर में तापमान बढ़ने को लेकर के, यानी फीवर को लेकर के कुछ दुविधा, कोई समस्या दिखाई दे रही है, उससे आपको इस पीरियड में सतर्क रहना है। पूर्व में किए गए कुछ कार्यों से आपको लाभ की प्राप्ति होगी, कोई इन्वेस्टमेंट किया है, या फिर आप किसी अच्छी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं या प्रमोशन का वेट कर रहे हैं, तो इस समय के आसपास वो होता नज़र आ रहा है। आपको अपने ऊपर इस समय में गर्व होगा कि आपने पिछले कुछ समय में अपने आपके साथ इतनी सारी कठोरता जो व्यवहार किया है उसका परिणाम अब आपको मिलेगा, तो आपको उससे खुशी की प्राप्ति होगी। प्रेम संबंध को लेकर के या रिलेशनशिप को लेकर के कहूँ, थोड़ा कंफ्यूज रहेंगे आप समझ नहीं पाएंगे कि आपको उसमें कैसे प्रतिक्रिया देनी है, कैसे रिएक्ट करना है, क्योंकि चीज़ें बहुत ही कंफ्यूजिंग आपके लिए होंगी। एक से ज़्यादा आपको प्रपोजल भी मिल सकते हैं या लोग आप में इंटरेस्ट शो कर सकते हैं, तो बहुत ही सोच विचार करके ही आपको निर्णय लेना चाहिए। और रिलेशनशिप में तो दिल की ही सुननी चाहिए आपको, इस समय में अपना दिमाग थोड़ा सा रिलेशनशिप के मसले में स्टॉप कर देना चाहिए और अपने मन की आवाज़ सुननी चाहिए। केवल रिलेशनशिप में इसलिए एंटर ना हो ताकि, क्योंकि आप उससे आगे चल के कोई फ़ायदा ले सके, या आपको कोई धन संबंधी लाभ हो सके, या फिर उसके कार्य से कोई लाभ हो सके। अपने मन को, अपने सेटिस्फैक्शन को लेकर के ही आप किसी रिलेशनशिप में एंटर हो। सपने में आपको कुछ पैसे मिलते हुए अगर दिखाई देते हैं तो ये सपना आपके लिए बहुत शुभ होगा, तो संकेत देगा कि आने वाले समय में आपको धन की प्राप्ति होगी। आपको इस समय में एस्ट्रोलॉजी पर, यानी कि ज्योतिष पर बहुत विश्वास होने लगेगा, आपका मन ज्योतिष की तरफ बढ़ेगा। कुछ लोग ज्योतिष सीख भी सकते हैं, अकल्ट भी सीख सकते हैं, इस तरह की चीज़ों में आपकी रुचि बढ़ जाएगी। शादी को लेकर के भी कुछ लोगों के लिए अच्छी खबर दिख रही है। अगर आपकी शादी नहीं हुई है, सिंगल है, तो शनिदेव विशेष आशीर्वाद करेंगे और आपको कोई दूर से, काफ़ी दूर से कोई रिश्ता आएगा। इस समय में गुस्से पे ज़रा काबू रखें, क्योंकि आपके चिड़चिड़े और गुस्से स्वभाव की वजह से आप चीज़ों को बिगाड़ सकते हैं, बनते बनते काम आपके रुक जाएंगे, तो थोड़ा गुस्से को आपको कंट्रोल करना है।
साथ ही कॉन्फिडेंस तो होना अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट मत होइएगा। ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से भी आपकी जो प्रॉब्लम है वो बिगड़ती दिखाई दे रही है। इस समय में आपकी कोई टीचर या फिर आपसे बड़ी जिनसे आपने सीखा है या वो खुद शिक्षा देती हैं या आपकी मदर भी हो सकती हैं, उनसे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। इस समय के आसपास दिमाग थोड़ा सा आपका स्लो चल सकता है, तो उस पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको थोड़ी आलस ज़्यादा आ सकता है और दिमाग आपका थोड़ा स्लो चल सकता है। समस्या मतलब कोई फर्क ऐसा नहीं आता है कि भाई ये गरीब है, ये अमीर है, ये ऐसा है या वैसा, ऐसा कुछ मुझे नहीं आया। मुझे एक चीज़ अच्छा लगा कि टाइम देती है माता, गुरु माँ इतना टाइम दे रही हैं और सबसे अंदर की बात पूछता है कि क्या प्रॉब्लम है बताओ। मुझे एक प्रॉब्लम तो अभी समझ में ही आया, मेरा बेटा थोड़ा परेशान रहता था, हाँ तो जब से काला धागा बांधा तो ठीक है। और बाकी मेरी मैडम से रोज लड़ाई झगड़ा होती थी घर, मगर शांत नहीं था मैं, इतना परेशान था शांत, मैं सोचता था क्या कर लो, इधर जाओ उधर जाओ, क्या करूँ, आत्महत्या कर लूँ क्या कर लूँ, मगर नहीं, मगर जब से काला धागा पहनाया और आज हमें भरोसा नहीं था कि मेरी मैडम मेरे साथ में आएगी, आज चल कर खुद आई कि मैं खुद जाऊँ। ये चमत्कार ही तो है। अब क्या, जो आना पसंद नहीं करती थी, जो हमारा पूजा पाठ पसंद नहीं करती थी, जो मुझे देखना पसंद नहीं करती, आज चल करके खुद आए कि चलो मैं भी चल रही। अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या चल रही है तो आप बिल्कुल परेशान मत हो, आपकी गुरु माँ आपके साथ है। चाहे वीडियो के माध्यम से मैं अपना आशीर्वाद अपनी ब्लेसिंग्स आपको देती हूँ, चाहे मैं आपको राशिफल बता के गाइड करती हूँ, चाहे मैं किसी और ज्ञान की वीडियो आपके साथ शेयर करती हूँ, आप उसको यूज़ करो, वो आपकी लाइफ में ज़रूर हेल्प करेगा। हमें ग्रहों का आशीर्वाद मिलता रहेगा। जो लोग दिल्ली आ सकते हैं आकर के मुझसे मिलें, क्योंकि जो चीज़ें हम आकर के एक्सपीरियंस कर सकते हैं वो वीडियो कॉल पे या फ़ोन कॉल पे एक्सपीरियंस नहीं की जा सकती। अब मैं वीडियो कॉल पे तो मैं नारियल तो सिद्ध करके दे नहीं सकती, फल भी सिद्ध करके नहीं दे सकती, ऐसी चीज़ें भिजवा भी नहीं सकती। भगवान की कृपा से जो भी हमारे पास शक्ति है, सिद्धि है, उसमें हम आपकी जो भी परेशानी चल रही है आपको फल सिद्ध करके, आपको नारियल सिद्ध करके देते हैं, आपकी प्रार्थना भगवान के चरणों में लगाते हैं अपने साधना स्थल पे। जो भी भक्त यहाँ आ रहा है आता है उसको भगवान की कृपा ज़रूर प्राप्त होती है, क्योंकि हमारी 10 वर्षों की जो साधना है हमने आप लोगों के लिए लगा दी है। हमारा अपना तो उसमें कोई लाभ नहीं, ना तो देखो मुझे कहीं पहुँचना है, ना तो मेरी कोई ऐसी इच्छा है कि मुझे बहुत फेमस होना है, ना मेरी ऐसी कोई इच्छा है कि मुझे बहुत पैसा कमाना है, ना ही मेरी ऐसी कोई इच्छा है कि मुझे अपने लिए कोई खुशी प्राप्त करनी है या अपने लिए कोई चीज़ खरीदनी है या अपने लिए मुझे कोई प्रॉपर्टी बनानी है। मुझे जीवन में जो कुछ चाहिए था उससे बहुत कुछ मिला है, मेरे प्रभु ने मुझ पर इतनी कृपा की है कि उस कृपा का मैं वर्णन नहीं कर सकती। तो मुझे किसी चीज़ की कोई आशा और अभिलाषा नहीं रह गई है, बस एक ही आशा है कि जब तक जीवित हूँ, जब तक भी मेरे इस तन में प्राण है, जो भी मेरी ये यात्रा बाकी है उसमें मैं आप लोगों के लिए कुछ कर जाऊँ, मैं आपको कुछ ना कुछ सहायता दे जाऊँ, जितने भी लोगों का मेरे द्वारा भला हो सके, तो ये दासी वही करना चाहती है। और अगर आपको कोई समस्या है या आपको पता है आपका कोई रिश्तेदार है, कोई दोस्त है परेशान है, तो उसको आप दरबार में ज़रूर भेजिए, क्योंकि जो आकर के प्रभु की कृपा प्राप्त हो सकती है उनके चरणों में, ऐसे सिद्ध जगहों पर, ऐसे साधनाओं की जगहों पर, वो आपको फ़ोन के माध्यम से नहीं हो सकती है। बाकी इसके अलावा जो आ ही नहीं सकते, बहुत परेशान है, जिनको दिक्कत है, उनके लिए भी वीडियो कॉल मैं कर रही हूँ, लगातार कर रही हूँ, लेकिन आप लाखों हो और सभी लोगों से एक साथ बात करना मेरे लिए भी संभव नहीं है, नहीं तो मुझे अपनी साधना छोड़नी पड़ेगी, जो आपको ज्ञान प्राप्ति के वीडियो देती हूँ वो छोड़ने पड़ेंगे, और दोनों ही छोड़े नहीं जा सकते हैं। साधना नहीं करूँगी तो आपको दूंगी क्या, जब कमाई करूँगी तभी तो दूंगी ना, तो आध्यात्मिक कमाई तो मुझे करनी पड़ेगी। और वीडियो कॉल चल रहे हैं, जिनके नंबर हैं, जिनके टोकन नंबर लग चुके हैं वो ऑलरेडी चल रहे हैं, फरवरी तक अभी ऐसे ही चलता रहेगा, कुछ समय के लिए होल्ड कर दिया है ताकि फरवरी तक के सारे टोकन नंबर वालों से मैं बात कर लूँ, उसके बाद आपसे भी ज़रूर बात करूँगी। तब तक के लिए आप दिल्ली हमसे मिलने के लिए आ सकते हैं, उसमें कोई फीस नहीं है, कोई शुल्क नहीं है, आपसे कोई दक्षिणा नहीं मांगते, आपसे कोई दान नहीं मांगते, बिल्कुल निःशुल्क सेवा है। आइए और आकर के प्रभु की कृपा, हमारे शनिदेव की कृपा लेकर के जाइए। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।